तो आज मैं आपको लेकर आ गया झारखंड के चटुनाथ मंदिर में। लोगों की इच्छा पूरी होती है तो यहाँ पे बकरे की बलि दी जाती है, देसी मुर्गे की बलि दी जाती है, साथ में यहाँ पे दारू चढ़ाई जाती है। यहाँ दारू चढ़े जो बलि सब चीज का होता है, पठा भेड़ा सुअर सब चीज। 40 को ईठो है जो कितने की है? 80 रुपया। बलि के लिए हमने यहाँ पे देसी मुर्गा ले लिया है, साथ में ले लिए दारू। बहुत दूर उधर देवघर पटना गोटे उधर जाकर जहाँ के मनकुमना हो जाते ना आ जाए। देसी दारू से लेकर ब्लू लेवल का सब दारू चढ़ता है। जिसकी इच्छा पूरी होती है वो 50 बकरे भी चढ़ाता है। हाँ, 50 बकरा भी चढ़ाता है और 100 भी बकरा चढ़ाता है। हमारे यहाँ जो एक बार खा के जाता है ना तो बार बार यहाँ आता है, उंगलियाँ चढ़ जाता है। तो आज मैं आपको लेकर आगे झारखंड के चटुनाथ मंदिर में, जहाँ पे मुर्गे की बलि दी जाती है, उसी को लोग प्रसाद के रूप में यहाँ पे खाते हैं। तो मुर्गा हमारा आ चुका है, अब इसका यहाँ पे वेट कर लिया गया है। तो बलि के लिए देख सकते हो हमने यहाँ पे देसी मुर्गा ले लिया है। हाँ, यहाँ दारू चढ़े जो बलि सब चीज का होता है, पठा भेड़ा सुअर सब चीज। तो ये पीते भी है ये चढ़ा के? ये चढ़ेगा ये कटी प्रसाद। तो भाई देख सकते हो कितना सारा सेटअप यहाँ पे रखा हुआ है। ये वाली कितने की है? ये वाली 80 रुपया कर को है, 20 ईठो है, 40 को ईठो है। जो कितने की है? 80 रुपया। तो बलि के लिए देख सकते हो हमने यहाँ पे देसी मुर्गा ले लिया है, साथ में ले लिए दारू। अब आगे मंदिर के अंदर जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे इसको कैसे चढ़ाया जाता है, और देखते हैं कि यहाँ पे बलि कैसे दी जाती है और पूजा कैसे की जाती है। तो चढ़ाने के बाद इसको पीते भी हैं? हाँ, हल्का आप लीजिए, प्रसाद है आपका। अच्छा, प्रसाद की तरह पीते हैं जी। तो दारू को हमने चढ़ा दिया है और अब यहाँ पे इसकी बलि दी जाएगी। तो मुर्गे को गर्म पानी में डालने के बाद अब इसकी अच्छे से सफाई कर ली जाएगी, जितने पंखे सारे के सारे इस मशीन के अंदर निकाल दिए जाएंगे। तो देसी मुर्गे को देख सकते हो अच्छे से साफ कर लिया गया है, अब इसकी यहाँ पे कटिंग कर ली जाएगी। तो देसी मुर्गा जो है अच्छे से साफ हो चुका है, अब इसकी अच्छे से कटिंग की जाएगी। यहाँ चूल्हे का सेटअप देख सकते हो कितना ज्यादा बढ़िया है, यहाँ पे लकड़ी डाली जाएगी और लकड़ी के चूल्हे पे देसी मुर्गे को यहाँ पे तैयार किया जाएगा। तो लकड़ी का चूल्हा देख सकते हो यहाँ पे जल चुका है, क्या बनने जा रहा है यहाँ पे? मुर्गा, देसी मुर्गा। कितने रुपए लेते हैं बनाने का यहाँ पे? 150। और अब यहाँ पे सरसों का तेल यहाँ पे डाला जा रहा है। सबसे पहले देखते हो यहाँ पे प्याज डाला। तो दीदी लकड़ी के चूल्हे में बढ़िया बनता है मुर्गा? बहुत बढ़िया बनता है। तो इसके अलावा क्या क्या बनाते हैं आप यहाँ? बनाते हैं मटन, बनाते हैं चिकन, बनाते हैं और नाश्ता भी बनाते हैं इसे। तो जिस मुर्गे की बलि दी गई थी अब वो मुर्गा देख सकते हो यहाँ पे तैयार किया जाएगा। अब देसी मुर्गा इसमें डाला जा रहा है। तो दीदी यहाँ पे गैस पे भी बन जाता है? हाँ, गैस पे भी बन जाता है। दीदी संडे को कितना बलि देते होंगे आप? बहुत बलि, एक पार्टी देता है कोई 51 गो, कोई 21 गो, जितना जिसका गश्ती रहेगा उतना देगा। इसमें लहसुन का पेस्ट दे रहे हैं, ये है गोलकी जीरा और मिर्च दे रहे हैं। बाजार का मसाला बहुत कम डालते हैं, ये मसाला अपने से घर में रेडी करते हैं। इसे बढ़िया टेस्ट आता है? हाँ, बहुत टेस्ट आता है। हमारे यहाँ जो एक बार खा के जाता है ना तो बार बार यहाँ आता है, उंगलियाँ चढ़ जाता है। ज्यादातर लोग तो चावल के साथ खाते हैं कि रोटी के साथ खाते हैं? रोटी चावल दोनों के साथ खाते हैं। चावल भी जिसको पसंद है चावल के साथ रोटी भी बना देते हैं, मुढ़ी के साथ भी खाते हैं। मुढ़ी का भी अच्छा टेस्ट आता है? अच्छा टेस्ट आता है। पानी डाल रहे हैं, मसाला देसी अच्छे से भुन चुका है और ऊपर सब यहाँ पे पानी डाले जा रहे हैं। 1 घंटा में बहुत पक जाएगा और स्वादिष्ट भी अच्छा आएगा। इसमें और कितना टाइम लगेगा? और आधा घंटा लगेगा। तो मुर्गे को देखते अच्छे से यहाँ पे घुरा जा रहा है। हाँ, बाबा है ना चूटो बाबा, वहाँ दारू चढ़ता है, पहले से चला रहे हैं, बहुत पुराना है। देसी वाला भी चढ़ता है वहाँ दारू, और इंग्लिश भी चढ़ता है। देसी दारू से लेकर ब्लू लेवल का सब दारू चढ़ता है। जिसकी इच्छा पूरी होती है वो 50 बकरे भी चढ़ाता है। हाँ, 50 बकरा भी चढ़ाता है और 100 भी बकरा चढ़ाता है। देसी चिकन के लिए देख सकते हो हमारी यहाँ पे प्लेट रेडी की जा रही है, और इसी में हमारे यहाँ देसी चिकन को यहाँ पे लगाया जाएगा मुड़ी के साथ। तो देख सकते हो हमारी यहाँ पे प्लेट लगाई जा रही है, प्लेट में सबसे पहले देख सकते हो मुड़ी यहाँ पे डाली जा रही है। तो दीदी मुड़ी के कितने चार्जेस होते हैं? 5%। अच्छा, 5% का मुड़ी रहता है, तो 5 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे मुड़ी के लिए। तो फाइनली दुमका के फेमस चूटोनाथ मंदिर में देख सकते हो मैंने अपना प्रसाद यहाँ पे लगा लिया। तो यहाँ पे आपको मुर्गे का प्रसाद मिल जाएगा, यहाँ पे मटन का प्रसाद मिल जाएगा। तो जिस मुर्गे की और बकरे की बलि दी जाती है उसी का प्रसाद यहाँ पे बनाया जाता है। तो देख सकते हो हमारा प्रसाद यहाँ पे बनकर रेडी हो चुका है, साथ में यहाँ पे मैंने मुड़ी लगवा ली है, और ये है इनका देसी चिकन, एकदम बढ़िया सा देख सकते हो लेग पीस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो दीदी ने चिकन जो है बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनाया, एकदम मसालेदार है, खाने में एकदम मजा आ रहा है। तो चूल्हे की आज में इसको बनाया गया है जिससे कि इसका टेस्ट काफी ज्यादा बढ़िया आ रहा है। चिकन जो है अच्छे से भुना हुआ है, अच्छे से पका हुआ है, एकदम आसानी से निकल जा रहा है। होटल का टाइमिंग क्या रहता है आपका यहाँ? सुबह 7 बजे से 5 बजे तक। आपके 5 बजे तक? हाँ। और हफ्ते में कितना दिन लगाते हैं? हफ्ता में पूरा 7 दिन। पूरा 7 दिन? हाँ। और होटल का नाम और एड्रेस बता दीजिए, कहाँ पे झारखंड में? दुमका जिला चूटोनाथ में है यहाँ। और होटल का नाम क्या है? खुशी स्टोर, देसी मुर्गा बना दिए हैं। तो अगर आप भी दुमका शहर में रहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा चूटोनाथ मंदिर में एक बार जरूर आए, आपकी यहाँ पे जो भी इच्छा है जरूर पूरी होगी। तो जैसी आपकी इच्छा पूरी होती है तो आप यहाँ पे किसी भी चीज की बलि दे सकते हो, बकरे की बलि दे सकते हो, साथ में यहाँ पे मुर्गे की बलि दी जाती है, कबूतर की बलि दी जाती है। तो यहाँ पे आके बलि देके अपना यहाँ पे प्रसाद बनवाते हैं। तो इस देसी मुर्गे को अब मैं यहाँ पे जल्दी से फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।